आपको काफ़ी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ा था जब हॉस्पिटल की रिंग रोड नहीं थी, यहाँ से परेड से लेके ऊपर तक काफ़ी जाम लगा रखा था। तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूजना इंद्रजीत साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया, जो रोड थी यहाँ पे, तो उस रोड को सफाया करके और रास्ता बनवाया गया। तो आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं खुसूसन जनाब कमिश्नर पुंछ साहब, जो इंद्रजीत कुमार साहब जो पुंछ में नए यहाँ तैनात हुए हैं, उनका नहीं थी दिल की इतनी गहराई के साथ मैं उनका मशहूर हूँ, जिन्होंने हॉस्पिटल का रास्ता जो है यहाँ पर चारों तरफ से वफादार है रास्ता खोलने की, उन्होंने ये एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। खासकर जो पुंछ में SSP पुंछ साहब और तहसीलदार हवेली जो हैं अंजुम खटक साहब, उन तमाम का मैं मशहूर हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है। तो मैं कहता हूँ कि इनको हज़ार बार मुबारकबाद देनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में आते वक्त एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको रे किया है इस रास्ते को। और साथ कर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर यहाँ पुलिस के जो 5-7 प्रोटेक्शन यहाँ पर आदमी को होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, पुलिस के 5-10 लोग, ट्रैफिक के लोग यहाँ पर होना ज़रूरी है कि कोई भी दिक्कत आ सकती है, ताकि इस काम में अब कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हॉस्पिटल वाला जो दूसरा OPD की जानिब से रास्ता आपने वो रास्ता खोला और यहाँ पर ये रास्ता से दूसरा खोला जा रहा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया हम उनका अदा करते हैं। तो काफ़ी दिक्कत होती थी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी होती थी। कोई भी एमरजेंसी यहाँ केस आता था तो यहाँ घंटों जाम लग जाता था, जिसकी वजह से यहाँ मरीज़ आधे लोग तो यहाँ रास्ते में मर जाते थे, हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं सकते थे। अब तो ये बहुत बड़ा हम इनके मशहूर हैं कि जो दो रास्ते इन्होंने खोले, 3 रास्ते खोल दिए, एक न एक रास्ते से यहाँ पेशेंट जो है हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा। कोई एमरजेंसी ऑफिसर यहाँ पहुँच सकता है कि जिसपे मौके पर यहाँ कार्रवाई हो सकती है।